ओके वेलकम भाई अगेन जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए आज एक वीडियो आ रही है बल्कि मैं एक बाकायदा एक सीरीज बनाने वाला हूँ इसके ऊपर जिधर काफी सारे आपके साथ ट्रेडिंग इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजीज इस तरह की शेयर की जाएंगी स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए एम किया उसको कि आप लोग सीख जाओ बहुत प्रेशर आया हमें बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है करते जा रहे हैं पिछले दो तीन महीने से कि भैया आप लोग इस तरह के कोई लाइसेंस वगैरह बनाए हालांकि हमारा वन ऑन वन ट्रेडिंग सेशन चल रहा है और उधर बहुत सारे लोग आए तकरीबन पाँच छः सात सौ लोग इस तरह और उसमें मेजोटी जो है वो ऑलरेडी एक महीने के अंदर अंदर सीख चुके हैं अपना सिग्नल्स भी बनाते हैं मार्केट एनालाइज कर रहे हैं सारा कुछ समझ चुके तो मगर कोई ऐसा था नहीं कि फ्री लोगों के लिए किया जाए और फिर उन्होंने रिसेंटली जो है ग्रुप बनाया डिस्कॉर्ट पे जिधर हमने बहुत सारी चीजें उनको सिखाई हैं उनमें से भी कुछ लोग हैं ऑलरेडी विद इन अ फ्यू वीक्स दो तीन हफ्ते हुए और वो भी अपने ट्रेडिंग जो है बहरल सिग्नल्स वगैरह वो बना लेते थे सीख रहे हैं अभी बिल्कुल परफेक्ट नहीं किया अभी तक कुछ और हफ्ते जो है और मे बी मोस्ट लाइकली वो भी इस काबिल हो जाएंगे कि वह अपने सिग्नल बना सकें और जरूरत ना हो कि किसी के ग्रुप में जाके बैठे ठीक है तो इसका जो मेन मकसद है जिसके लिए हम ये जोर लगा रहे हैं वो ये है कि आप लोग सबसे पहले आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से दूसरा ये कि मैंने खुद भी देखा है कि बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में आते हैं कहते हैं फलां फला के ग्रुप में गया था उसने लॉस करवा दिया फलां के ग्रुप में गया लॉस करवा दिया ऐसा हुआ वैसा हुआ पैसे ले लेते हैं बाद में हमें पूछते भी नहीं है और सारा टाइम जो है वो कोई एक स्क्रीन शॉट ले लेते हैं बस सुबह शाम उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके ग्रुप में लोग आ जाए तो इन चीजों से आपको बिल्कुल निजात मिल जाएगी जो चीजें आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ सबसे पहले क्योंकि ये आप लोगों के लिए ये इसलिए नहीं है कि हम लोग वीडियो वीडियो पे कोई व्यूज व्यूज मिले हमें कोई पैसे वैसे यहाँ कमाएं बिल्कुल नहीं ऐसी बात अगर आप लोगों को ये पसंद आती है तो इसको शेयर करें जितना हो सके खास तौर पे उन लोगों के साथ जो लोग नए क्रिप्टो में ताकि वो इन लोगों के हाथों से चढ़ने से पहले वो लोग खुद ही इस काबिल हो जाएं और समझ लें कि भाई ये सारी चीज़ें चलती कैसी है खुद ही इस काबिल हो जाएं कि वो इस कर सकें पैसे वैसे बना सकें बाकायदा ट्रेड कर सकें तो इसको शेयर करें पसंद नहीं आता आप लोगों को बिल्कुल मत करें शेयर बिल्कुल कोई लाइक शाइक मत करे कोई जरूरत नहीं अगर लगता है कि आप इसका ये वीडियो इस काबिल है कि भाई यहाँ इस पर अटेंशन दी जा सकती है इसको सीरियस ले सकते हैं इससे आप लोग पैसे बन सकते हैं तो फिर लोगों की बेहतरी भी चाहें उसको नजर रखें इसको शेयर वेयर करें थोड़ा बहुत ताकि दूसरे भी इससे फायदा उठा सके

Uh, तो पहले ये करना है हमने कि ये जो लिखा हुआ है शो डाइवर्जेंस लाइन्स इसको आप लोग कर करते हैं उसके बाद ये आपका जो लाइन्स थे जो ब्लू और येलो लाइन्स थे, वो चले गए दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप uh, uh, क्या नाम है इसका अच्छा ये शो इंडिकेट नेम्स जो लिखा हुआ है इधर आप लोग आके ढूंढ शो कर सकते हैं इसको

यहाँ से हमने कन्फर्मेशन लेनी है उसकी उसके बाद जाके हमने ट्रेड कर ठीक ये दो चीज़ें है अच्छा अब तो पहले आप खुद ही देख सकते हो कॉमन सेंस दिख रहा है कि भाई जहाँ पे ये येलो बता रहा है इस तरह के की तीन है जो भी है दरअसल ये बाई सिग्नल है बाई सिग्नल यहाँ पे एक मिनट के चार्ट पे इसने यहाँ बोला बाई करें आप सीधा ऊपर गया इसी तरह यहाँ पे किया ठीक है हालांकि कोई खास ऊपर नहीं गया खाली दो तीन मिनट के लिए गया उसके बाद यहाँ पे इसने जो बोला यहाँ पे ठीक ठाक ऊपर गया इसी तरह यहाँ पे ये थोड़ा फॉल्स सिग्नल्स था मैं अभी आके जाके आपको बताता हूँ कि जो फॉल्स सिग्नल्स होंगे उसको आप लोगों ने कैसे फिल्टर करना है ताकि आप लोग इससे बच सको इसी तरह फिर यहाँ पे हमें कहा तो ये काफी अच्छा था ठीक है चाहे यहाँ तक हो यहाँ तक हो आपका अच्छा चाहे यहाँ पे प्रॉफिट इसी तरह फिर हमें यहाँ पे बोला लॉन्ग करो इसको और फिलहाल जो है ये चल रहा है ठीक है अच्छा अब ये तो था थोड़ा समझाने के लिए ये जो ब्लू वाले हैं ये शॉर्ट है सारे ठीक है यहाँ भी था दो तीन मिनट नीचे गया उसके बाद यहाँ पे ये बड़ा जबरदस्त शॉर्ट सिग्नल था थोड़ा ऊपर आने के बाद फिर से नीचे इसी तरह यहाँ पे बाय सिग्नल फिर यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल तो ये सारी चीजें जो है वो चलती जा रही अब आप लोगों ने इसको इस्तेमाल कैसे कर पहले तो ये कि एक मिनट चार्ट पे अगर आप लोग स्टार्ट करते हो तो अमूमन जो है बहुत ज्यादा वॉलिटाइल होती है जब तक आपकी स्ट्रेटजी ठीक ना हो तब तक आप लोग बिल्कुल एक मिनट तीन मिनट वाले या पाँच मिनट वाले पाँच मिनट तो फिर भी ठीक है थोड़ा गुंजाइश है उसमें एक और तीन मिनट बहुत ज्यादा वॉलटाइल होते हैं खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनको कोई खास एक्सपीरियंस नहीं और जब मैं कहता हूँ कि खास एक्सपीरियंस नहीं है तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो ग्रुप चला रहे हैं तुक्के मार के लोगों को थोड़ा सा टोपी करा के पैसे वैसे, वैसे, वैसे लूट लेते हैं उनसे चाहे वो दस डॉलर हो पंद्रह बीस पच्चीस सौ पैंसौ जो भी उसके बाद वो थोड़ा कोई दस ट्रेड करवाते हैं आप लोगों को दस में से जो है वो सात आठ में लॉस होता है एक दो में जो हो जाता है प्रॉफिट उसके बाद उसका स्क्रीन शॉट लगा के लोगों को दिखाना शुरू वजह क्या है इसकी कि ये लोग नहीं कर पाते हैं सबसे पहले कि देखें ट्रेडिंग कोई आसान काम तो है आसान काम अगर होता है तो हर बंदा बैठ के ट्रेड कर रहा होता दुनिया में भी कोई पचास मिलियन ग्रुप्स चल रहे होते हैं सारी दुनिया उधर बैठी होती है मजे कर रहे होते सारा सुबह शाम पैसे बना रहे थे यहाँ पे आपको चाहिए डिसिप्लिन जो कि बहुत सारे लोगों में नहीं अब डिसिप्लिन आता है वो तब जब आपके पास कोई खास स्ट्रैटेजी हो और उस स्ट्रेटी को बिल्कुल उसी तरह फॉलो करें तो वहां पे कोई फोमो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए ग्रीट फोमो ये वो कहाँ थोड़ा ऊपर जा रहा है चलो घुस जाओ उसमें लॉन्ग करो शॉर्ट करो ये एक और चीज़ ये कि जो चटू लोग होते हैं वो लेवरेज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अब इसमें आम लोग भी हैं इसमें वो लोग भी हैं जो ग्रुप चलाते हैं जब आप अपना जो इस तरह की लगाते हो तो आपका कोई स्ट्रेटेजी नहीं है फिलहाल आप बस ही लॉन्ग कर दिया साठ एक्स लगा के सत्तर सौ एक्स लगा के और थोड़ा सा ऊपर के आगे एकदम निकलो आप जो निकलते हो उसमें प्रॉफिट आप नहीं करते और अगर करते भी हो खाली मे बी फाइव टेन परसेंट बाकी तो सारा फीस में चले जाते हैं बेशक आप कोई दो हजार डॉलर से आप उसको ट्रेड करते हो या आप उसको सौ डॉलर से ट्रेड करते हो और बीस डॉलर से ट्रेड करते हो और जब आप इतना ज्यादा लेवरेज लगाते हो तो फीस फीस भी बढ़ जाती है आपकी इसी तरह जो है वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है लिक्विडेशन जो है आपके लिक्विडेशन प्राइस वो बहुत करीब होता है एंट्री के थोड़ा सा कोई विक विक मार दिया उसने आपके एंट्री से नीचे और आप लिक्विडेट हो जाते हो तो ये जो रिस्क होता है ये सारी चीजें जो मिला के आप देखो तो ये बिल्कुल डूब स्टाइल है ये इन एक्सपीरियंस ट्रेडर इस तरह की हरकतें करते हैं यहाँ पे जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो को कोशिश मैं करूंगा काफी कि इसको इसको ज्यादा लंबा नहीं करूं। कि आप लोग इसको दो बार तीन बार चार बार देख लो पांच बार देख लो इसको बिल्कुल आपको जब तक सही से समझ नहीं आई है जब तक पूरा होल्ड नहीं हुआ इस चीज से स्ट्रेटजी के ऊपर तो तब तक आप जाके ट्रेड नहीं करें ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इस सारी हरकतों को करने से पहले कि भाई आप लोग जब ट्रेड करते हो सबसे पहले अपना लेवरेज जो है उसको देखें कि भाई हमारा लेवरेज जो है कितना होना चाहिए तो क्योंकि आप वन मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और जाहिर है कि आप में से जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उसमें से नाइनटी नाइन परसेंट लूव लोग या तो कम से कम इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। सीख रहे हैं कोशिश कर रहे हैं पैसे वैसे इस तरह बना लें तो आप लोगों को चाहिए कि आप शुरुआत में कम से कम दो चार पाँच दिन और टोटल पचास साठ ट्रेड करते हो या जो भी है उसमें आप लोग थ्री टू तो फाइव एक्समाल करें ले। लेवरेज इससे बिल्कुल ऊपर नहीं जाए जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया भाई फर्ज करो आपने पचास ट्रेड्स की थ्री टू फाइव लेवरेज के साथ फिर आप उसमें से थोड़ा एवरेज निकाले उसका कि भाई हमने पचास ट्रेड जो किए हैं इस स्ट्रेटजी के साथ तो उसमें से लेट्स से दस में लॉस हुए चालीस में प्रॉफिट हुआ या लेट्स से पैंतीस में आपका प्रॉफिट हुआ है पंद्रह में लॉस हुआ तो जो भी है बहरहाल हम लिखते हैं फॉर इंस्टेंस पैंतीस पचास में से पैंतीस बार प्रॉफिट किया है पंद्रह बार लॉस किया तो जबरदस्त है आपने आपनेश की आपने बड़ा मजा किया 75 आपने इसके खाली प्रॉफिट किए जब आप देखो कि आपके रिजल्ट आपके फेवर में आ रहे हैं आपको समझ आ गया स्ट्रेटेजी कैसे इस्तेमाल करनी है उसका फायदा कैसे उठाना है लेवरेज जो है वो कैसे चलता है, है क्योंकि लेवरेज कम है प्राइस भी काफी नीचे है और आप सेफ हो तो ये सारी चीजें जब समझ जाएंगे आप लोग फिर आप क्या कर सकते हो कि आप फाइव टू एट या फाइव टू लेवरेज आप इस्तेमाल करना शुरू करें फिर उधर आ जाए आप लोग कोई पचास ट्रेड करें पचास ट्रेड में आप 40 40 40 40 में तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको बिल्कुल स्ट्रेटजी आ गई है आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट भी आ गया है आपको अपना स्टॉप लॉस एंट्री वगैरह लिक्विडेशन प्राइस सारी चीजें मैनेज करनी आ गई हैं कॉन्फिडेंस भी आ गया है सब समझ आ गया है और उसके साथ फिर आप क्या करो कि जब आपके पास इस तरह के रिजल्ट आ जाए

पांच मिनट हो गए शायद मिनट जो भी है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिसेंटली एक सिग्नल मिला था ठीक ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको ऑलरेडी ये ऊपर गया है इस से किया हो तक आपका जो है, चार परसेंट प्रॉफिट से सौ डॉलर आपने लगाया हुआ है चार परसेंट प्रॉफिट हो गया खत्म एग्जिट किया निकल गया इसी तरह यहाँ पे रिसेंटली ये टाइम हो रहा है मेरा तकरीबन तेरह चालीस भी नहीं पैंतालीस तो मिनट पहले की बात पैंतालीस मिनट पहले हमें एक सिग्नल दिया इसने उस सिग्नल को अगर हम क्विकली जाके इसका टॉप चाहिए ये, ये जो भी है तो हमारा यहाँ पे पॉइंट सेवन सेवन परसेंट आपका मिनट लगे हैं इसको ज्यादा से ज्यादा दस मिनट ये साफ सुत्र दस बार्स हैं दस कैंडल्स हैं यानी दस मिनट लगे आपको और इतना प्रॉफिट बना लिया ऑलरेडी आपने उसके बाद आप एग्जिट अगर करते उसको चाहे वहां करो चाहे उससे पहले कर लो फिर जब वो नीचे आया दोबारा लॉन्ग सिग्नल दिया तो आपने देखा है कि यहाँ पे जो हमने अभी उसको आ, चेक किया था चार परसेंट यहाँ हो गया सात परसेंट ग्यारह परसेंट प्रॉफिट आपने बना लिया विद इन मे बी कोई एक डेढ़ घंटा ठीक है अच्छा अब यहाँ तक तो सब अच्छा लग रहा है मगर अब इसको सही मानों में कैसे इस्तेमाल करना वो ये

ठीक है तो आप मेक श्योर कि आप नीचे आओ इसके अंदर यहाँ पे देखो कि हम लोग जो है ये जो रेड लाइन है इसके हम कितने करीब अमूमन अगर हम इसको टच करें तो ये बहुत ज़बरदस्त है टच करके रिवर्स करें यानी तो से कोई मिसाल जैसे ये है ठीक है जैसे इधर हुआ है इसने इसको टच किया उसके बाद ग्रीन कैंडल निकला ठीक है ये ग्रीन कैंडल निकला उसके बाद से हम सीधा ऊपर इसी तरह हम अगर इसको जाके चार्ट पे देखें यहाँ पे हमें बाय सिग्नल दिया नहीं है मगर हम फिर भी ऊपर गए क्योंकि ये आपको ट्रेंड का तो वैसे भी बता रहा है यहाँ पे इसने जो शॉर्ट सिग्नल दिया था काफी बड़ा शॉर्ट सिग्नल था यानी यहाँ से शुरू हुआ ऑल द वे डाउन तकरीबन पहले यहाँ तक उसके बाद दोबारा से थोड़ा ऊपर गए हम लोग क्विक फॉल सिग्नल यहाँ तक तो अगर हम बीच में फॉल सिग्नल को इग्नोर कर दें एक सेकंड के लिए तो हमने यहाँ से शॉर्ट किया है ऑल द वे नीचे इस पॉइंट तक ठीक है तो अगर हम इसको देखें फॉर इंस्टेंस के ये कितने परसेंट प्रॉफिट था तो ये तेईस परसेंट प्रॉफिट बनता है आपका सही है? और साढ़े सोलह परसेंट आपका ये प्रॉफिट बनता है आ, क्या नाम है वगैरह ठीक है जी तो आपका आ, जो है क्या नाम है बैठे बैठे अच्छा खासा प्रॉफिट बन के मगर वंस अगेन कंफर्मेशन आपने नीचे से यहां से ले ली जब आपको बाई सिग्नल दे नीचे आप देखें कि भाई आप लोग तो किधर है अगर आप रेड लाइन के बहुत करीब है जैसे यहाँ पे हम काफी दूर है वैसे यहाँ पे हम काफी अगर हम इसके करीब है जैसे ये था इसी तरह आ, बुम, 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 ये वाला इसी तरह ये वाला इस तरह के एरिया में अगर हो ठीक है तो आप लोग इसको यहाँ से कंफर्म समझ सकते कंफर्मेशन लेके आप ऊपर उसको ट्रेड कर सकते हो कि अगर आपको वहां पे येलो ऐसा कोई साइन अपेयर हो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको लॉन्ग करो तो फिर आप उसको लॉन्ग कर सकते हो अगर ना हो तो फिर आप उसको नहीं करें ठीक है जी एक और तरीका है उसका कि आप लोग उसको मैं भी थोड़ी देर में आगे जाके समझाता हूँ स्पेशली थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे आपने उसको और ज्यादा जो फिल्टर यानी कर सकते हो आप फॉल सिग्नल्स को तो उसको कैसे करना है और अगर मिसाल के तौर पे ये इतना नीचे भी ना हो रेड लाइन के तो फिर आप उसको कैसे ट्रेड करें ठीक है जी वो मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ जो कुछ अभी तक समझाया इसको मैं क्विकली रिकैप करता हूँ उसके बाद हम आगे जाते हैं जैसे आपको बाई सिग्नल मिलता है नीचे आएंगे आप लोग यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आप किधर ठीक है वैसे हम आर्गिव कर सकते हैं इस सेंस में कि लेट्स से ये जो रेड लाइन था यहाँ पे ठीक है जी इसी में अगर लाइन आप अगर खींचो मिसाल के तौर पर तो इन वे ये आप कह सकते हो कि हम बड़ी क्लोज है इसके यानी ये जो एरिया है ओवरऑल आप ऐसे भी ले सकते हो इसको इस हिसाब से जैसे मैगनी का होता है या फिर आर एस आई का होता है कि आप राइट साइड उसकी वैल्यूज देखते हो तो यहाँ पे हमें अगर बिल्कुल इसके ऊपर जाए तो माइनस वन एटी थ्री तो अमूमन ये कंसिडर होता है बिल्कुल बॉटम कि जिससे आप नीचे भी अगर आते हो तो इतना ज्यादा कुछ नीचे नहीं आते हो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दो 200 बार में भी तो तकरीबन उन्हीं लेवल से ये ऊपर गया कुछ बार ऐसे चार पांच छह बार जिसमें थोड़ा ज्यादा नीचे आए मगर इवेंचुअली आप फिर रिवर्स ही करते हो ऊपर की तरफ ठीक है जी अच्छा एक और चीज जब भी कोई बाय सिग्नल मिलता है और नीचे जब आप जाके देखते हो कि यार ये तो फिलहाल जो हमारा मेट्रिक सीरीज वाला इंडिकेटर है वो फिलहाल लाल है तो फिर आप लोग मत लें उसको आप लोग इंतजार करें कि कम से कम कोई एक कैंडल आ, ये जो ग्रीन कैंडल है कम से कम कोई एक जो है वो ग्रीन क्लोज हो जाए उसके बाद जाके फिर आप ट्रेड कर जैसे यहाँ पे हुआ है ये पीछे यहाँ पे हुआ है इसी तरह यहाँ पे हुआ है और ये वाला जो है और इसी तरह जो है बहुत सारे है, जैसे ये जब कोई एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर वहाँ पे आपको कन्फर्मेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है गारंटी हो जाता है कम से कम कि हाँ भाई हम यहाँ पे इस ट्रेड को भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा समझो कि हम हिस्टोग्राम कह सकते हैं इसको क्योंकि मेट्रिक सीरीज और बाल बाल सिर्फ नाम ही है उसका मगर उसको एक्सप्लेन करने के लिए समझो कि मैकडी है हिस्टोग्राम तो आपको बता रहे कि जो है वो शिफ्ट हो गया है तो फिर आप उस को ले सकते हैं इधर बड़ा जबरदस्त हुआ सिग्नल आपको बाय का इधर दिया था ये फॉल्स सिग्नल था मैं भी समझाता हूँ उसको आप लोग मगर ओवरऑल आप नीचे अगर देखें इसको तो उसके बाद हम जो ऊपर गए अच्छा खासा ऊपर गए ठीक है इसी तरह यहाँ पे नीचे अगर देखें हालांकि ये थोड़ा सा हमारे बाय जोन से ऊपर है मगर फिर भी ठीक ठाक ऊपर गया है फिर उसके बाद आ जाए इधर यहाँ पे भी अच्छा खास है तो आपको जरूरत नहीं कि आप बैठ के इंतजार करो कि यार आपका पांच लाख प्रॉफिट हो जाए आप इधर उठाते हो फर्ज करो थोड़ा इधर ऊपर जाता है आपके चार परसेंट बन गया है जो भी है लेवरेज के हिसाब से काफी ज्यादा होता है कभी दस परसेंट कभी पंद्रह परसेंट कभी क्या वो आप लेके निकल जाओ ठीक है जी रही बात क्या आप लोगों ने अपना स्टॉप लॉस कैसे लगाना है कहाँ लगाना है जो बहुत सारे लोग समझते नहीं है और काफी सारे लोग जो आपको अः सही से जो है उसको गाइड भी नहीं कर पाते वो ये के मिसाल के तौर पे इसमें बोला यहाँ पे आप जो है अपना आ, क्या बोलते हैं इसको लॉन्ग करो तो आप देखते हो प्रीवियस कैंडल का जो विक है उधर आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं इन दिस केस ये थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है क्यों क्योंकि यहाँ पे विक इसका या जो कैंडल की के साइज थी बहुत बड़ी थी फिर नीचे से बाइंग प्रेशर आया थोड़ा जिसकी वजह से फिर यहाँ पे एक विक बन गया और काफी लंबा है कैंडल तो खुद ही उसका बॉडी क्लोज हुआ ऊपर मगर विक जो है वो काफी लंबा है ठीक है मगर आप नॉर्मल सिनारियो में अगर देखते हो तो इतने बड़े बड़े विक नहीं होते छोटे छोटे से विक होते हैं जैसे ये आपकी एंट्री है तो ये आपका स्टॉप लॉस बहुत ही पास में है। और उसके बाद आप एग्जिट इधर करते हो या इधर करते हो आपकी मर्जी अच्छा दूसरी चीज जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है वैसे वैसे अपना स्टॉप लॉस ऊपर लेके आए क्योंकि एनी टाइम जब वो नीचे आएगा तो आप लोग प्रॉफिट में निकलोगे इस तरह जब आप लोग करते जाओगे डिसिप्लिन के साथ तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग पचास ट्रेड में कम अज कम कम अज कम चालीस ट्रेड में प्रॉफिट आप कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पे आप इसको देख ही सकते हो कि भाई यार एक मिनट वाला है और पीछे अगर देखें कितने अच्छे सिग्नल दिए इस तरह के टॉप सिग्नल्स कोई नहीं देता कोई ट्रेडर जो है आपको खुद ही एग्जैक्टली एक्टली नहीं कर सकता कि आप फला पॉइंट से वहीं से एग्जैक्टली वहीं नीचे ठीक है हालांकि मेरा इसमें बड़ा तजुर्बा है और मैं सबका बाप हूँ इस चीज में मगर फिर भी मैं भी नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली आपको बताऊँ पॉइंट पे शॉर्ट करो बस खत्म हम आपको एक आइडिया ही दे सकते हैं एक मिनट पर कोई किसी का बाप भी नहीं बता सकते आप इसको फला शॉर्ट करो तो ये ऐसा जबरदस्त इंडिकेटर है कि बिल्कुल टॉप से देख सकते हैं आप इसको कि बिल्कुल टॉप से जो है ये शॉर्ट करवा रहा है आपको इसी तरह जो लॉन्ग करवाते हैं वहां भी दो तीन कैंडल कम अज कम ऊपर जाते हैं अब मैं आपको समझाता हूँ एक और चीज की जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली बैठे बैठे मगर उससे पहले ये जो फॉल्ट सिग्नल था जो ये है इस तरह के कोई फॉल्ट सिग्नल जो है इसको कैसे फिल्टर करना है उसके लिए आप लोग दो काम कर सकते हैं ई एम ए टाइप करें दो बार क्लिक करें इस इसपे आप लोग इसको कभी कभी खुद ही इंडिविजुअली उसके ऊपर एक तजुर्बा करें उसको देखें ये एम ट्वेंटी लिखा हमने पहले वाले पे ठीक है दूसरे पे हम लिखते हैं लत से ये में बल्कि नाइन ही रन देते हैं इसको ठीक है जो ये ऊपर वाला है मैं इसको एक मिनट ऐसे जाके इसको डार्क कर लेते हैं ताकि पता चल जाए ठीक है पप्पो यहाँ पे हम जाएंगे इसको भी हम लोग जो है डार्क कर लेंगे तो वह आपको पता है कि जो ब्लूश है जो लाइट ब्लू है आपका ये आपका ई एम ए नाइन और जो ये में 20 ट्वेंटी है वो आपका ब्लैक वन है ठीक है तो फॉल्स को आप लोगों ने इस तरह करना है या उसको जो फिल्टर करना है कि जब आपको कोई बाई सिग्नल मिले और आप देखो कि वेरी सिंपल कोई रॉकेट साइंस नहीं है बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है कि आप इस तरह जो है अपने लॉस से बच जाते दें बजायज की आप उम्मीद करके बैठो कि चलो यार एक कैंडल नीचा है शायद ऊपर जाए आप जैसे देखो एक ही कैंडल प्रोजेक्ट हुआ है वहां से निकल जाए हाँ अगर वो दोबारा उसके ऊपर चला जाए तो फिर आप ये देखो कि ये में ट्वेंटी से भी ऊपर गया नहीं ठीक उसके बाद आप उसको लॉन्ग कर सकते हो मगर कम अज कम ये कि ये में नाइन से जो है वो ऊपर तो जाए अगर नहीं तो आप उसको रिजेक्ट समझ के रिजेक्शन समझ के आप वहां से एग्जिट करें ठीक है इसी तरह यहाँ पे आप देखो कि क्या हुआ है कि आप इधर इवन जैसे यहाँ से लॉन्ग किया आपने ये गया इधर उसके बाद आपने देखा रिजेक्ट हुआ फिर दो और कैंडल रिजेक्ट हुआ

वो आपकी मर्जी आप जब मर्जी एग्जिट करो ठीक है जी हाँ एक सिनारी आपको ऐसे बता सकता हूँ वो ये कि जब अप ट्रेंड में हो, तो अमूमन जब अप ट्रेंड में हैं, वहां आप शॉर्ट नहीं करें एक मिनट थोड़ा बहुत नीचे आता है दो कैंडल चार कैंडल पांच कैंडल फिर ऊपर जाते दस कैंडल फिर नीचे आते चार शॉर्ट नहीं करें उसको जब तक अप ट्रेंड चल रहा है इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग्स के ऊपर आप तवजू दें ठीक है बल्कि ये वाला नहीं इसी तरह जो है आपका पीछे होगा शायद जैसे यहाँ पे ठीक है जब ट्रेंड आपका हाँ चल रहा है टूवर्स अप साइड सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग्स के ऊपर तवज्जो दें जब चल रहा हो टर्स यानी डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने शॉर्ट्स के ऊपर तवज्जो दें वहां पे आप लॉन्ग हॉन्ग करें बेशक के सारे कंडीशन पूरी हो गए ये कंडीशन ये वाला सब कुछ फिर भी आप लोग जो है वो शॉर्ट्स के ऊपर या लॉन्ग्स के ऊपर तवज्जो नहीं दें डाउन ट्रेंड ठीक है अच्छा वो क्या था कि जिससे आप लोग अपनी टीपी को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं या कम से कम अंदाजा हो सकता है कि कहा निकलना चाहिए कहा नहीं निकलना चाहिए वो ये मिसाल के तौर पर आप इसको लॉन्ग करते हो इधर अब आपने लॉन्ग किया ऊपर गया देखा कि यार ये रिजेक्ट हुआ से लेकिन क्विकली राइट आफ्टर दैट आपने देखा यार ये वापस यारिक्लेम कर लिया इसने किसको ई एम ए नाइन को ट्वेंटी को दोनों के ऊपर आ गया दोनों के ऊपर आने के बाद आप क्या करते हो पहला आपका स्टॉप लॉस था नीचे इधर इधर जब रिजेक्ट हुआ तो आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी ऊपर होना चाहिए

क्योंकि ये मूविंग एवरेजेस जो है सपोर्ट के तौर पे काम करते हैं फिर बेशक अगर प्राइस नीचे भी आए जैसे यहाँ पे क्या हुआ है कि ऊपर गया नीचे आया लेकिन पे देख सकते हैं आप कि इसने मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया बिल्कुल उसके ऊपर से वापस ऊपर चला गया ठीक है इस पॉइंट से क्या हुआ कि पूरा लूना में जो मार्केट थी वो डाउन ट्रेंड में आ गई तो आप लोग देख सकते हो उधर क्लियरली उस टाइम से अब तक हम क्लियरली डाउन ट्रेंड ठीक है जी तो जब डाउन ट्रेंड में आप आते हो तो शॉर्ट्स से उठते हो आप सही है अब डाउन ट्रेंड का अंदाजा आप कैसे लगाते हो रिक्लेम कर रहा है नहीं कर रहा जब तक आप देखो दोनों के ऊपर नहीं आया और दोनों का बुल क्रॉस नहीं लगता बुल क्रॉस से मुराद क्या है कि ये ई एम ए नाइन और ट्वेंटी वन बुल क्रॉस होने के बाद दोनों ऊपर जा रहे हैं नहीं जब तक आप ये चीज ना देखो तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है तक चल रहा। case, को आप करें और सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट तो सही है और वो आप लोग ब्लू डॉट्स आते ना इसके ऊपर जैसे यहाँ पे यहाँ पे बड़ा पावरफुल सिग्नल था जिसकी वजह से बहुत सारे ब्लू डॉट्स भी आए ये देख सकते हैं आप लोग बल्कि ये था सॉरी इधर से ये आया नीचे उसके बाद क्विकली ऊपर वापस तकरीबन एंट्री के पास उसके बाद बल्कि हल्का सा ऊपर मारा है। लेकिन उसके बाद सीधा से नीचे और तब से फिर ये काफी नीचे आया सही है तो इस तरह के जो टाइम्स ढूंढे कोई लॉन्ग तो नहीं तो वहां भी आप अप लोग अपने लॉन्ग वॉन्ग करें अच्छा अब ये नाइन को बंद करते हैं हम जाते हैं ठीक है एक घंटे एक घंटे हो दोबारा से कोई सी जब कोई कॉइन ट्रेंड में चल रहा सही है अप ट्रेंड में चलने के जब चल रहा हो तो आप लोग वहां तो आप लो हैं उसको कैसे आपने फिल्टर करना है, है। आप ये देखो कि कैंडल्स जो है एक घंटे क्या उन्होंने ये में के क्लोज किया हाँ कर लिया भाई करने के बाद आप देखते हो नीचे सिग्नल को जैसे मेट्रिक इस सिनारियो में फिर आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो बेशक आपको यहाँ पे लॉन्ग सिग्नल नहीं दिया

अगर देखें कि हाँ भाई ऊपर चला गया और क्लोज भी कर करें फिर आपके लिए बड़ा आसान क्योंकि उस टाइम पे फिर आपने क्या करना है कि अपने मूविंग 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 एवरेज 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 वो ऊपर जा रहा ना प्राइस आप लोग की के नीचे इस तरह इस तरह तरह क्योंकि भी साथ साथ ऊपर जा रहा है तो आप इसको इसी हिसाब से अपने स्टॉप लॉस वगैरह बिल्कुल मूविंग एवरेज के नीचे रखते जाए इस तरह अब आप अंदाजा लगा लो एंट्री आपकी इधर है और आप आगे हो इधर तो अच्छा खासा आपका प्रॉफिट हो गया इतने टाइम ठीक है इसी तरह आप करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो हाँ जिस टाइम जैसे यहाँ पे अभी आपका स्टॉप लॉस यहाँ होता तो ये ऊपर जाने के बाद नीचे आया लगा खत्म ट्रेड कैंसिल आप निकल गए कितना प्रॉफिट हुआ आपका यहाँ से लेके बिल्कुल इस पॉइंट तक ये हो गया भाई आपके थर्टी तीन सौ अस्सी परसेंट प्रॉफिट हो गया बैठे बैठे सही अब ये ऐसे स्काल है बल्कि तो नहीं बोल सकते इसको मगर ये ऐसे ट्रेड है कि आप बैठे बैठे सीख रहे हो बगैर इसके क्या आप ये समझो कि यार ये जो ट्रेंड लाइन है कैसे लगाते हैं यार ये फलाना जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ये ये सपोर्ट कैसे लगाना है फलाना कैसे लगाना है ये पैटर्न कैसा है ये कैसा है इसमें आप लोगों ने अपना टाइम जो है बर्बाद ही नहीं करना शॉर्टकट मारें सीधा जो लोग छह साल में सीखते हैं उसको आप लोग छे घंटे में सीखें खत्म करें इसी तरह जब शॉर्ट्स यानी मिसाल के तौर पर जब ये शॉर्ट सिग्नल कोई देता है तो आपने ये देखना है कि यार क्या वो जो रेड कैंडल नीचे ये में ट्रेडी के क्लोज करते नहीं अगर क्लोज करता है ऊपर इसने रीटेस्ट किया क्या उसने रिक्लेम किया वापस हाँ कर लिया इन दिस केस क्या हुआ कि ट्रिक क्या इधर ऊपर गया काफी घंटों तक बेशक आपने यहाँ एंट्री की हो आपका स्टॉप लॉस इधर इसने यहाँ पे नीचे क्लोज किया आपका शॉर्ट चल रहा है प्रॉफिटेबल है आप निकल भी सकते मगर अगर ये वापस आ जाता है आप एग्जिट करो इंतजार नहीं करें इसका कि वो स्टॉप लॉस लगता है नहीं लगता जैसे इसने कोई एक कैंडल जूम करते हैं इसको ताकि सही से समझा फॉर इंस्टेंस यहाँ पे इसने बोला भाई शॉर्ट करो ठीक है जी ये क्या लगा दिया भाई यहाँ इसने बोला शॉर्ट करें ये आपका स्टॉप लॉस ये आगे नीचे ठीक है मिसाल के तौर पे यहां से यहां तक आपका बन गया आठ परसेंट पे अस्सी परसेंट प्रॉफिट गया आपका पैसा तकरीबन डबल होगा अब आप इंतजार करें फिलहाल निकल भी सकते मगर आप ये भी देख सकते हैं कि यार क्या ये ऊपर ऊपर ये आ रहा है तो ये ट्वेंटी के ऊपर क्लोज करेगा नहीं कर अगर इसने ये ट्वेंटी के ऊपर क्लोज किया जैसे यहाँ पे हो गया एग्जिट करे वो भूल जाए कि उसके बाद वो ऊपर जाता है नीचे जाता है क्या करता है भूल जाए उसको तो ये भाई आया इधर ऊपर आप लोग ऑलरेडी इधर निकल चुके ठीक है जी इन दिस एग्जिट नहीं किया, मिसाल के पे। तो फिर आप पचास परसेंट एग्जिट में खुश है बस प्रॉफिट ले लिया निकल गया आप इंतजार करें क्या होता ऊपर आया थोड़ा बम नीचे आके दोबारा से इसने कैंडल क्लोज किया आप आके दोबारा से एक बार इसको देखें कि भाई क्या चल रहा है अगर कंफर्मेशन आपको मिलती है

तो उस हिसाब से आप नीचे कंफर्मेशन लेके यहाँ पे उसको शॉर्ट कर सकते हैं वंस अगेन लॉन्ग दिया नीचे कंडीशन मैट गोम उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिल गई लॉन्ग कर दिया देख लिया आपने यहाँ आप पे कैंडल ऊपर क्लोज किया खत्म उसके बाद आप शुरू ऑल द वे आप स्टॉप लॉस अपना मूविंग एवरेज के साथ 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 लेके ऊपर जाए और इस तरह आप लोग इसको एक घंटे में भी, भी ट्रेड कर सकते हैं ठीक है जी एक मिनट फिर दोबारा एक बार आते हैं मैं क्विकली वंस अगेन बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो मुझे उम्मीद है कि वो यही बोलेंगे कि हमें समझ नहीं आएगी सबसे पहले डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है इस चीज को देखना है आप लोगों ने किसी भी ख्वाइन में ठीक है फॉर इंस्टेंस आप चले जाओ किधर ये अपना इथेरियम 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 में आप जाएं भाई इधर आप देखें कि भाई हम एक घंटे पे क्या चल रहा तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग ट्रिक होते हैं वो सोचते हैं कि हमने इधर से उठा के इधर तक ट्रेंड देखना है नो आपने उधर से नहीं देखना है उसको वो था कोई पर्दादे का जमाना था उसको छोड़ दे आपने आना है नीचे इधर जो रिसेंट ने बाउंस किया है ठीक है रिसेंट लो जो इसने जहां से बाउंस के उसको आप लोग देखें ऐसे ऊपर की तरफ उसके बाद आपने वही एम ए ट्वेंटी वन लगाना है या ट्वेंटी लगाना है उसको देखना है आपने कि हम उसके ऊपर चल रहे हैं या उसके नीचे चल रहे हैं सही है कहने का मकसद क्या हुआ कि जूम करते हैं इसको अगर आप लोग इसके ऊपर चल रहे हो अच्छा खासा कि जिधर ये कोई गन नहीं कर रहा हम जैसे मैं एक मिसाल ढूंढता हूँ यहाँ पे ठीक है ये क्लियर ये रिसेंट ल हमारा लो था मिसाल के तौर पर हमारे पास आज का रिटर्न नहीं है तो मैं यहाँ पे आता हूँ बोल के यहाँ तक ठीक है जी अगर आप इस तरह का सिनारियो देखते हो तो इसका मतलब क्या है क्लियरली आपका चल चला क्योंकि आप ये मे ट्वेंटी के भी ऊपर हो और वैसे भी आपका जो रिसेंट लो था उसके बाद से आप ऊपर गए तो जब आप इस तरह की चीजें देखते हो आप जाके उसको पांच मिनट पे तीन मिनट पे एक मिनट पे वगैरह वगैरह उसको स्कल्प कर सकते हैं अगर आप उसका उल्टा देखो जैसे कि हमारे साथ हुआ है इसके बाद यहाँ से लेके उस पॉइंट से उसके बाद नीचे आया और ये में ट्वेंटी के नीचे तो इसका मतलब है क्लियरली मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है सही है

मेन चीजें हैं वीडियो के अंदर वो ये है कि आपका स्टॉप लॉस का होना चाहिए अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है इसी तरह फिर आप लोग ये देखना है कि कन्फर्मेशन मेट्रिक सीरीज वाला इंडिकेटर नीचे कन्फर्मेशन में एक ब्लॉक लगा देता हूँ यहाँ पे इसका आप लोग स्क्रीन भी ले सकते हैं जब आप लोग वीडियो देख रहे हो कि जब भी आप इस तरह के एरियज में हो ना इस तरह के एरियाज में यहाँ पे आप लोग उसको उठा लें ठीक या मतलब इससे जितना भी नीचे हो इस तरह के एरियज में आप लोग जब हो तो यहाँ से आप लोग उसको उठा लें जब भी आपको बाई सिग्नल मिलता है सही है डाउन ट्रेंड के सिचुएशन में जब आपका फर्ज करो शॉर्ट सिग्नल लग रहा था अगर आप इस तरह के एरियाज में हो तो फिर आप यहाँ पे उसको शॉर्ट कर सकते हैं ये जो बीच वाला एरिया है तो यहाँ पे कोशिश करें अमूमन कि भाई आप आराम से तहमुल से काम लें कॉइन्स बहुत सारे हैं एक कॉइन में आपको नहीं मिल रहा कुछ दूसरे कॉइन में जाए दूसरे में नहीं तीसरे में जाए दो हजार दस हजार आपको इधर कोइंस फेवरेट्स में मिल सकते हैं आप जाए उधर लगा दे सारे और सब में आप देखें तो आपको सारा टाइम कुछ ना कुछ सिग्नल मिल ही रहा हो तो बीच वाला जो जोन जो है इधर ट्रेड नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हमेशा मार्केट जो है अनसर्टन होता है कोई आपको पता नहीं है कि थोड़ा ऊपर जाने के बाद फॉरन शायद नीचे भी आ जाए सही है जी इस तरह आप लोग अपना जो सिग्नल्स भी है उसको भी आप फिल्टर कर सकते हो साथ में आपकी जो एक्यूरेसी है ऑटोमेटिकली बैठे बैठे ज्यादा हो जाएगी प्लस रिस्क बहुत कम होगा और बहुत सारे जो लोग उधर बैठे टट्टू लोग जो लोगों को टोपी कर रहे हैं ग्रुप चला के उनसे आप लोग दस कदम आगे चले जाओ ठीक है बगैर किसी एक्सपीरियंस के सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए अगर वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को वैसे वैसे इससे बनाएं पहले तो नीचे कमेंट्स कर लें उसके बाद कोई और ऐसी चीज हो जो हमने मिस कर दी हो या किसी को चाहिए कि हम उस पे वीडियो बनाएं तो फिर नीचे कमेंट्स पे दें साथ में वीडियो को शेयर करें जितने लोगों के साथ कर सकते हैं ताकि ये लोग जो है वो बच जाए और अपना लॉस वॉस जो है वो उनका कम हो या फिर लोगों के हाथ जो है ना चढ़े टोपी होने की कोई फायदा नहीं है उसका और अगर हमने देखा कि भाई यहाँ पे अच्छी एंगेजमेंट चल रही है तो हम आपके लिए इसी तरह की स्ट्रेटेजी बता दीजिए सही है जी Charlie, enjoy yourself.